ओम शांति। आत्मा बनकर बैठे अपने मस्तक सिंहासन पर। हम सभी बाबा के योगी बच्चे गृहस्थ जीवन में रहते हुए, संगठनों में रहते हुए, कमल फूल समान न्यारे और प्यारे बनकर जीवन व्यतीत करते हैं। संसार में तो सभी लोग रहते हैं, हम ब्रह्मावत्स भी यदि उनकी तरह बंधनों में फंसे हुए, गृहस्थ में लिप्त, कर्मों के बंधन में बहुत ज्यादा लिप्त रहेंगे तो हमारे ज्ञानी होने का फायदा ही क्या होगा। हम ज्ञानी हैं, हमें निमित्त भाव से जीवन में जीना है। धन है, ये सब प्रभु देन है, बाबा ने हमें दिया है इस परिवार को चलाने के लिए, दैट्स ऑल। धन में आसक्त हो जाना, धन ही सब कुछ है, धन धना धन धन, मन मना भव की जगह यही हो जाए तो इससे हमारी अलौकिक स्थिति बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाती है। हम गृहस्थ में रहते हैं, दो चीजें और होती हैं, परिवार के साथ रहना, बच्चों के साथ रहना और काम काज करना। कार्य तो सबको करना है, चाहे कोई गृहस्थ में हो या समर्पित जीवन में होता हो, कार्यरत तो सभी हैं, पर कार्य करते उनसे न्यारे रहना, हर कर्म को अपना बंधन न बना देना, कार्य भी ऐसे भाव से करना मानो हम निर्लिप्त हों, ये कमल समान न्यारी और प्यारी स्थिति है। कार्य किया और देह से न्यारे हो गए, ऐसा अभ्यास कि इस देह में आए, कार्य करने के लिए अवतरित हुए, कार्य किया फिर वापिस परम धाम चले गए, ये है सर्वश्रेष्ठ कमल समान स्थिति। ऐसे ही सबके साथ रहते हैं। अब सबके साथ जब मनुष्य रहता है तो कहीं ना कहीं उसकी मोह ममता लगाव बन ही जाता है। जिनको उसने जन्म दिया है उनसे ब्लड कनेक्शन होने के कारण उसका मोह बना ही रहता है, लेकिन ब्लड कनेक्शन तो सबके ही हैं, लेकिन आत्मिक कनेक्शन बनाना ये अलौकिकता है, ये कमल समान न्यारी स्थिति है। तो आइए हम सभी ये आदर्श प्रस्तुत करें कि संसार में रहते हुए भी हम मानो संसार में नहीं रहते, संसार में रहते हुए भी हम अपने धाम में रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर से काम धंधा करने के लिए 15-20 दिन के लिए किसी दूसरे शहर में गया हो बिजनेस पर्पज से, उसको कैसी स्मृति है, घर मेरा वहां है, यहां मैं आया हूं, कैसे वो वहां से डिटैच रहेगा। इसी तरह हमें भी ये प्रैक्टिस करनी है, घर मेरा ब्रह्मलोक है और इस धरा पर मैं पार्ट बजाने के लिए आत्मा अवतरित होकर आई हूं। तो इस अभ्यास से हमारे नयन भी कमल समान बन जाएंगे, इसलिए देवताओं के अंग अंग के साथ कमल शब्द जोड़ा जाता है, कमल नयन, कमल मुख, कमल चरण, हस्त कमल। तो हम अपने नैनों को कमल बनाएं, और नैनों को कमल बनाने का अर्थ है अब इस देह को न देखकर, देह को देखते हुए भी इसमें चमकती हुई आत्मा को ही देखें। मुख से शब्द बोलें, लेकिन वही बोलें जो अमृत तुल्य हों। कानों से सुने, अच्छी बातें ही सुने, कर्म करते निर्लेप रहें। कर्मेंद्रियां इस संसार के विभिन्न रसों में रहें, लेकिन किसी भी रस में वो लिप्त न हो, ये है कमल समान न्यारी और प्यारी स्थिति। तो आज सारा दिन हम ये दो अभ्यास करेंगे, जिसे भी देखेंगे वो सब आत्माएं हैं, सभी परम धाम से आई हैं और हमें सबको ही परम धाम ले जाना है। ये 84 जन्मों का खेल पूरा हुआ, अब ये देह और देह का सब कुछ
धन संपत्ति, मकान, दुकान, ज्वेलरी सब कुछ यहीं छोड़कर हम सबको वापिस चलना है। और मैं आत्मा भी इस देह से न्यारी हूँ, मुझे भी सब कुछ छोड़कर वापिस जाना है। तो इस तरह जाने की स्मृति रखेंगे और जाने की स्मृति के द्वारा इस संसार को खेल की न्यायी देखेंगे और देखें ऐसा करने से कितना सुंदर आनंद जीवन में आता है। ओम शांति।